उत्तर कर्नाटक में आई बाढ़ के कारण न कि सिर्फ बाढ़ पीड़ित लोग ही बल्कि आम लोग भी इससे परेशानियां झेल रहे हैं। पिछले एक महीने से उत्तर कर्नाटक में आई बाढ़ की वजह से कई सारे रास्ते टूट गए हैं या तो अपने मुख्य मार्ग से अपना संपर्क खो चुके हैं। इस वजह से गदग जिले में गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा सुबह के 6 बजे गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि गदग जिले में गैस सिलेंडर की सप्लाई धारवाड़ पेट्रोलियम प्लांट द्वारा किया जाता है। पिछले एक महीने से मलप्रभा नदी के कहर ने सारे मुख्य मार्गों को बंद कर दिया है। इसी वजह से इस प्लांट पर अवलंबित हब्बली धारवाड़ गदग कोप्पाल जिले में गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। स्वच्छ भारत के तहत केरोसिन का इस्तेमाल करने में सरकार द्वारा रोक लग गई है और अब गैस सिलेंडर ना मिलने पर गदग जिले के लोग अब होटल पर ही पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं। फिलहाल अब गैस सिलेंडर बुक करने पर 15 दिन बाद भी लोगों तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसी के चलते गैस एजेंसी के ओनर ने कहा कि बाढ़ की वजह से सारे रास्ते बंद हुए हैं। सभी गैस से भरे ट्रक रास्ते पर ही खड़े हुए हैं। फिलहाल 4000 से भी ज़्यादा लोग गैस सिलेंडर को बुक कर रहे हैं पर हमारे पास इसकी पूर्ति नहीं है, कहते हुए अपनी निराशा जताई।